नमस्कार साथियों, दोस्तों मैं YouTube पर इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूँ कि मुझे चाहत है कि लोग आप लोग मेरे वीडियो को देखें, बल्कि मैं YouTube पर इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि मेरे अंदर की जो इच्छा है, मुझे जो लगता है, मुझे जो सही लगता है या फिर मेरा जो सोच है उसे मैं रखूँ, चाहे आप देखें या ना देखें, ठीक है। तो इसलिए जिन्हें अगर मेरी बात को बुरा लगे उनसे सीधा कहना है कि आप वीडियो को देखिए ही मत। और आप स्टूडेंट्स हैं तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप ऐसे क्रिकेट वाली चीज़ों पे वीडियो देखिए ही मत, ठीक है। तो मैं यहाँ पे धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो भारत को दूसरी बार 2011 में वर्ल्ड कप जितवाए थे, उस कप्तान थे, ठीक है। तो और उन्हें बोला जाता है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत को जितवाई है, और बोला जाता है कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारतीय टीम हरा करके T20 वर्ल्ड कप जीती थी। तो मतलब धोनी के बारे में बोला जाता है कि ऐसा तीनों ट्रॉफी है जो धोनी के पास है, उन्होंने जितवा दिया। बहुत अच्छी बात है साथियों, बहुत अच्छी बात है। धोनी एक अच्छे कप्तान थे, लेकिन वो अच्छे कप्तान नहीं रह गए, या फिर उनका वो जो गुण था, उनके पास जो लक था कि हारा हुआ मैच को भी जितवा देंगे, वो सभी उनसे छीना जा चुका है, या फिर प्रकृति ने उनसे छीन लिया। और मेरे नज़रों में वो एक बहुत ही बुरे कप्तान बन गए लास्ट के सिचुएशन में। कैसे, तो मुझे जो लगता है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है, क्रिकेट एक ऐसा मतलब कह ले खेल है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो, अपने जात धर्म में सब नहीं देखेंगे कि वो अच्छा मेरे जात का है, अगर वगैरह है, सुंदर है तो मेरा फेवरेट हो गया, नहीं। क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप किसी खिलाड़ी का फैन तभी बनते हैं, आपका प्रिय तभी बनता है, चहता तभी बनता है, जब वो प्लेयर परफॉर्मेंस करे। बहुत बड़ी बात, अगर कोई प्लेयर भारत को मैच जितवा रहा है, शतक पे शतक ठोके जा रहा है, और बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन करता है, फील्डिंग अच्छा करता है, और कह ले कि बैटिंग बॉलिंग सब जो भी हो, खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है, उनका परफॉर्मेंस लगातार ऊंचाइयों पे रहती है, बेटर होते जाती है, तो ही आप क्रिकेटरों का फैन बनते हैं। इसलिए सचिन का फैन लगभग सारे व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी में भी एक मतलब उनमें जो आप कह लें उनकी जो एक कमियां थी, डिसएडवांटेजेस हमें आप गिन ले, तो जब जब उनका शतक लगता था तब तब इंडिया टीम हार जाती थी मैच, यहां तक कि उनका 100वां शतक भी एक कह ले कि ऐसा बुनियादी था कि 100वां शतक में भी बांग्लादेश जैसी टीम भारतीय टीम को हरा देती है। तो खैर, फिर भी सचिन प्रिय थे, हम लोग चाहते थे कि उनका 100वां शतक लगे, भले ही भारत को एक मैच गंवाना ही क्यों ना पड़े, ठीक है। बहुत सालों तक इंतज़ार करना पड़ा था सचिन के 100वें शतक के लिए, तो चलेगा। और यहाँ पे धोनी जी का बात कर रहा है, माना कि धोनी जी ने तीनों वर्ल्ड कप जीता है, चैम्पियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड वनडे का वर्ल्ड कप और फिर T20 का वर्ल्ड कप। लेकिन साथियों, आपको ये भी देखना होगा कि धोनी ने कितने सारे वर्ल्ड कप हरवाए, धोनी ने हराया, टीम ने हरवाया, जो भी हो, कप्तानी में हो चाहे टीम में हो। देखिए, 2000 मतलब मैं जब से देखते आ रहा हूँ तो मैं चल बता रहा हूँ, 2014 का T20 वर्ल्ड कप धोनी जी ने हरवा दिया। ऐसे 2014 का T20 वर्ल्ड कप में कप्तान धोनी जी थे, तो चलिए धोनी जी ने हरवाया, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप हरवाने के कारण थे युवराज सिंह, और लास्ट के ओवरों में आकर के 21 बॉल में 11 की 12 रन मारते हैं। बताइए, उनको 21 बॉल में 50 रन मारने थे, वहाँ पे 11 या 12 रन मारते हैं। तो यहाँ पे युवराज सिंह का बात नहीं करेंगे। 2014 का T20 वर्ल्ड कप कप्तान थे धोनी, तो जीता पाए नहीं जीता पाए, ठीक है, तो एक वर्ल्ड कप हो गया। 2016 का T20 वर्ल्ड कप जिसमें भारतीय टीम कोहली के दम पे सेमीफाइनल तक तो पहुंची, लेकिन वहाँ भी यहाँ पे आंद्रे रसल या फिर लेडन सिमंस जो होता है, दोनों मार मार के भारत को हरा देता है भारत में आकर के। तो ये दो वर्ल्ड कप धोनी कप्तान थे, तो आप देख रहे हैं 2007 का आप देख रहे हैं, लेकिन 2014 का हारा, 2016 का हारा,
धोनी की कप्तानी में, इसे भी आपको देखना होगा, क्योंकि आपकी सोच जो है छोटी है, इसे बड़ा बनाइए। जब आप देश से प्रेम कीजिएगा तो आप चाहिएगा कि भारतीय टीम हर एक कप को जीते, एक आध भर कम से कम आधा तो जीते ही जीते। अरे 125 करोड़ देशवासी का देश है, यहाँ पे बच्चा बच्चा क्रिकेट खेलता है, और एक सचिन तेंदुलकर 20-20 साल तक ओपनर बने रह जाते हैं, कोहली जो 3 नंबर पे 3-3 साल से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, फिर भी 3 नंबर पे उनको खिलाया जा रहा था, इससे लॉस इंडिया को हो रही है। अब कोहली फॉर्म में आ गए, मैं कहता हूँ कि उनको खिलाइए, लेकिन जो आउट ऑफ फॉर्म हो तो यहाँ पे साइड कीजिए, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। और ये उदाहरण ऑस्ट्रेलिया में के कप्तान रिकी पोंटिंग, जो धोनी से भी ज़्यादा कप जितवाया है शायद ऑस्ट्रेलिया को, मैचेस जितवाया, वो भी जब 5 मैच में 13 रन बनाते हैं कि 20 रन बनाते हैं 5 मैचों की ODI सीरीज में, तो भले ही कैसा भी वो कप्तान क्यों न थे, उनका आउट ऑफ फॉर्म था, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उन्हें निकाल दिया टीम से। तो मतलब फिर परफॉर्मेंस कीजिए, आइए, लेकिन जो परफॉर्मेंस कर रहा है इतना सारा बड़ा कंट्री है उसको लाइए। तो दो कप मैंने बता दिया, 2014 और 16 का, 2015 का T20 नहीं बल्कि वनडे का कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल में टकराहट हुई थी, युद्ध हुआ था, मतलब मैच हुआ था, जिसमें स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर ने जो भी हो शतक मार करके भारतीय टीम को 338 रन पे शायद बनाया था, भारतीय टीम हार जाती है, ठीक है। तो तीन वर्ल्ड कप में भी, ये तीनों वर्ल्ड कप, 2 T20 और 1 वनडे में धोनी थे, भारतीय टीम हार गई। तो धोनी जी ने जो 3 वर्ल्ड कप जितवाया, इस तीनों में हार करके उसको मैनेज कर दिया, ठीक है। मैं और आगे बता रहा हूँ, 2018 में T20 वर्ल्ड कप हुआ या ना हुआ मुझे नहीं पता, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें भी धोनी जी थे, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी फाइनल में भारत हारता है, तो वो भी हो गया। 4 वर्ल्ड कप में धोनी थे, हार गया भारतीय टीम। अब बताता हूँ फिर से, 2019-17 में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, 2019 में फिर T20 वनडे का वर्ल्ड कप हुआ, वनडे का, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्या हुआ था, तो सेमीफाइनल मैच हुआ था, मात्र न्यूजीलैंड की टीम 250 रन बनाती है और इंडिया टीम लथर जाती है। तो यहाँ पे मैं कोहली को भी दोष दूंगा, वो मैं अगले वीडियो में गंभीर और कोहली से कंपेयर करूँगा, तो बट यहाँ पे धोनी जी अवेलेबल थे, भारतीय टीम जीत पाई नहीं जीत पाई, क्यों, क्योंकि धोनी रन आउट हो जाते हैं, जडेजा ने रन मारा तो चलिए जीत के कगार पे आए, वरना धोनी से तो भी नहीं होता, ठीक है। और रन आउट कैसे हो जाते हैं, तो उनको ड्राइव मारना चाहिए था, डायरेक्ट हिट लगती है और वो खड़े खड़े दौड़ रहे थे, आउट हो गए। तो 2019 का वर्ल्ड कप भी धोनी जी ने हरवाया, पूरी टीम ने हरवाया, लेकिन धोनी को हम लोग अब क्रेडिट देते हैं कि वर्ल्ड कप धोनी जी ने हराया, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो 5 हो गए, 5 ऐसा टूर्नामेंट हो गया जिसमें धोनी जी के रहते हुए भारतीय टीम मैच हार जाती है। तो यहाँ से वर्ल्ड कप में ये नहीं होता है कि आप हार गए तो आप सपोर्टर भारतीय हैं तो आप लोग को बुरा भला ही कहेंगे, नहीं, इससे नहीं धोनी का मैं विरोधी बना। धोनी का विरोधी मैं तब बना जब भारतीय टीम अमेरिका में जाती है, वहाँ से भारतीय और वेस्ट इंडीज का मैच था, ठीक है, वेस्ट इंडीज के जो यहाँ पे थे कौन थे, इवन लुइस स्टुअर्ट बिनी को 6 गेंद में 5 छक्के ठोक देता है, वेस्ट इंडीज जो बनाता है वो कितना 249-250 के आसपास बना देता है, भारत को लगभग 250 रन चाहिए थे 20 ओवर में जीतने के लिए। अब भारतीय टीम खेलने आती है, लोकेश राहुल 5 नंबर या 4 नंबर पे आकर के शतक ठोक देते हैं, भारतीय टीम को लास्ट बॉल पे मात्र 1 बॉल में 2 रन चाहिए थे, धोनी का स्ट्राइक चला गया था, लास्ट बॉल पे धोनी मौजूद थे। अब क्या था, धोनी अगर 1 रन भी बना देते तो भारतीय टीम वो मैच ड्रॉ करवाती, 2 रन बना जाते तो जीत जाता। अब सारा क्रिकेट प्रेमी क्या चाहेंगे, धोनी बेस्ट फिनिशर है, फिनिश कर देंगे, कोई सोचा ही नहीं था कि धोनी से 1 रन नहीं बने, धोनी आउट हो जाते हैं, कैच आउट, बताइए। तो उस वक्त भी क्या आप अंधा फैन मत बनिए, कितने सारे लोगों का दिल टूटा कि ना टूटा, टूटा। अब यहाँ भी नहीं छोड़िए, जिम्बाब्वे से भारत का मैच था, भारतीय टीम गई थी ए टीम लेकर के, अपना छोटा मोटा जो होता है युवा लोग उसका टीम लेके गई थी, धोनी एक सीनियर थे।
अब जिम्बाब्वे से वनडे या T20 चल रहा होगा मुझे नहीं पता, लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए थे, कितना, 6 बॉल में 8 रन धोनी मौजूद थे, वो भी मैच जिम्बाब्वे जैसा छोटा सा पिद्दी सा देश 8 रन धोनी को मारने नहीं देता। अब बताइए, अब मैं ये तो हो गई, अब धोनी का विरोध कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, मतलब धोनी ने बहुत बार मैच जिताया भी होगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने देखा है कि धोनी ने मैच को भारतीय टीम को हरवाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भूल रहा हूँ लेकिन जो भी मुझे याद पड़ रहा है उसे मैं बोले जाऊँगा। यहाँ पे देखिए धोनी का बीच में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जब आए थे तो बाल बड़े बड़े यहाँ तक, और 183 रन ठोको, छक्का मारो, ये मारो वो मारो, लेकिन बीच में उनका खेल ऐसा आ गया था कि वो मतलब भारतीय टीम का विकेट गिरता तो विकेट बचाने के चक्कर में पूरा 40 ओवर 50 ओवर तक ठुक, 40 से 45 ओवर तक ठुक 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 करते रह जाते, मतलब ऐसा आप ठीक है विकेट बचाना है तो आप जो बॉल पे रन भी बन जाएगा सिंगल उसको भी आप एकदम सीधे बल्ले से बॉलर के हाथ में दे रहे हैं, ठुक 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 कर रहे हैं। अब जो क्रिकेट प्रेमी होगा वो चाहेगा कि भारत 300 बनाए और 250 बनाए, धोनी के बल्लेबाजी देख करके उबेगा कि नहीं उबेगा। अरे विकेट बचाना भी है तो रन भी तो बनाइए, मतलब हम लोग सोचते थे कि दूसरे देश का डिविलियर्स को देखा, वो सिचुएशन में डिविलियर्स वहाँ से भी आकर जहाँ पे उसका विकेट गिरल लाता था, 4-5 गिरल लाता है, डिविलियर्स आकर के अगर शतक मार दिया, ये मार दिया, 300 पार कर दिया, धोनी जी आए अब ठुकुर 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 कर रहे हैं, और ऐसा 4-5 या 4 मैच में, एक ही मैच में वो होता था जब वो ठुकुर ठुकुर करके आउट नहीं होते थे, वरना वो ठुकुर ठुकुर करके आउट हो जाते थे, 50 बॉल में 20 रन बना के आउट हो गए। अब बताइए, अब कोई बाद का प्लेयर आएगा, बॉलर आएगा, क्या वो जिता पाएगा भारतीय टीम को मैच? नहीं, एक आधी मैच में होता था, 4 में से मान लीजिए एक मैच में ही होता था जब धोनी ठुकुर ठुकुर खेल लिए, 50 में 20 ही बनाए हो, लेकिन अंत के जब 44 से 45 से 40 ओवर के पार गया तो अगर अरे रह गए विकेट पे टिके रह गए, जो हर बार नहीं रहते थे, तो छक्का चौका मार करके बॉल में रन बना देते थे, जितना उनका बॉल रहता था उतना 60-70-80 रन बना दिए और 80 बॉल खेल लिए। तो ऐसा एक आध ही मैच में होता था, और अधिकतर मैच में मैंने कहा 3-4 में से 1 में ही टिकते थे, 3 मैच में वो भारत को हरवा के जाते थे। ठीक है, विकेट गिर गया भारतीय टीम का, ठीक है, लेकिन आप डिविलियर्स की तरह मारिए, क्योंकि आप में क्षमता थी स्टार्टिंग में जब 2008-09 में आए थे, छक्के छक्के मारते थे, तो फिर हम टुकुर टुकुर आपका मैच क्यों देखे, आप में क्या क्वालिटी कम गई थी? तो ये सब कमियाँ देखते देखते धोनी का फेवरेट जो होते थे वो जादुई ओ मत रहा, मतलब कहा कि बोला जाता है धोनी ऐसे कप्तान है वैसे कप्तान है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और ऐसा कप्तानी पर मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि 2000 बांग्लादेश का मतलब 2016 या फिर किस में भारतीय टीम जाती है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश जाती है, वहाँ पे 2-1 से बांग्लादेश भारतीय टीम को सीरीज हरा देती है वनडे का, इतना बड़ा झटका लगा था कि बांग्लादेश कभी भारत से जीतती नहीं थी, और इस बार मैच तो जीती ही जीती, सीरीज भी ले गया, और वो मैच हम लोग रेडियो पे सुना करते थे, मतलब जो लास्ट वाला मैच था उसमें क्या तो था, साकिब अल हसन मार रहा है, मुशफिकुर रहीम मार रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि अब धोनी कुछ जादू कर देंगे, बांग्लादेश को थोड़े जीतने देंगे, जादू करेंगे यार, कुछ तो ऐसा दिमाग लगाएंगे कि विकेट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और सपना टूट गया, बांग्लादेश में जीत गया। तो कप्तानी जो होती है वो मतलब स्टार्टिंग में धोनी कुछ करिश्मा कर देते थे, बाद में उतना ही बेकार उनका लक साथ दिया, कुछ नहीं हो पाया उनसे। हाँ ये बात अलग है कि अगर बेस्ट माना जाए तो धोनी को आप बेस्ट कप्तान IPL का मान सकते हैं, हर एक बार चेन्नई सुपर किंग को T20 वर्ल्ड कप IPL में क्वालिफाई किया, हर एक बार, लेकिन एक बार उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, वो था एक बार पुणे की टीम थी, तो चलिए पुणे की टीम थी तो चेन्नई का बात हो रहा है तो उसको अलग कर दीजिए, एक बार उन्होंने क्वालिफाई तब नहीं किया जब मैं हर एक बार चेन्नई का विरोधी था, सोचता था चेन्नई हार जाए चेन्नई हार जाए, हर एक बार चेन्नई जीतती थी जीतती थी जीतती थी,
एक मर्तबा जब धोनी 2020 के आसपास 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद वो संन्यास ले लिए थे, तब मैं धोनी का संन्यास लेने के बाद उनके प्रति सहानुभूति जताई। मैंने कहा ना, इस बार मैं चेन्नई सुपर किंग का सपोर्ट करूंगा, धोनी जी बिना बहुत ही मतलब उनको कोई ऐसा मैच भी नहीं दिया गया कि वो संन्यास के बाद होता है ना एक अच्छा फेवरेट सा मैच दिया जाए, और उसमें वो उनका लास्ट मैच जैसे सचिन को दिया गया था, सारे लोग देख रहे थे कि सचिन जी का लास्ट मैच है, तो ऐसा उनको धोनी को नहीं मिला था। तो मैंने सोचा चलिए इस IPL में धोनी जी का सपोर्ट किया जाए, और मैंने जिस IPL में धोनी के टीम चेन्नई सुपर किंग को सपोर्ट किया, उस बार मेरा कैसा कहले बद्दुआ या फिर मेरा क्या, उस साल चेन्नई सुपर किंग क्वालिफाई नहीं हो पाई, यहाँ तक कि क्वालिफाई को छोड़िए लास्ट टॉप लास्ट में एक आध पैदान ऊपर थी और अंत के एक आध मैच जीती थी इसलिए वो ऊपर गई, वरना लास्ट के जो होता है ना पॉइंट टेबल उसमें लास्ट में वो क्वालिफाई करती। तो मैं सोचा कि ना मेरा धोनी से विरोध करना ही सही है, जब जब मैं सोचता हूँ कि चेन्नई ना जीते तो ही चेन्नई जीतती है, एक साल मैंने सपोर्ट किया तो उस साल चेन्नई क्वालिफाई नहीं कर पाई चेन्नई की टीम। हाँ, पुणे की टीम भी एक बार हुआ था कि बहुत खराब प्रदर्शन किया गया धोनी के द्वारा, फिर पुणे ने क्या किया कि स्टीवन स्मिथ को कप्तान बना दिया, स्टीवन स्मिथ ने इतना अच्छा कप्तानी किया यार दिल जीत लिया, तो मैंने कहा अरे धोनी से अच्छा कप्तान तो स्टीवन स्मिथ है। और फाइनल में क्या होता है कि 130 रन का टारगेट मुंबई बनाता है, अब लग रहा था कि पुणे की टीम तो जीत जाएगी, पुणे हो कोई भी टीम हो दो साल के लिए आई थी, धोनी उसमें थे, तो उस मैच में भी धोनी ने बुमराह ने उनको बोल्ड करके आउट कर दिया, और वो भी मैच 130 रन का फाइनल का मैच, वो भी क्या करता है तो मुंबई इंडियंस एक रन से जीत जाती है। तो उस मैच में भी मैं कहूँगा धोनी जी का बुराई करना है तो कहूँगा कि धोनी जी ही ठुकुर ठुकुर करके 130 रन जो एकदम यूं चुटकियों में अति हो जाता, तो बॉल में बॉल जैसे एकदम बॉल में बॉल रन बनाना था, वहाँ से धोनी जी आकर के ठुकुर ठुकुर करके क्या कर दिए तो एक ओवर में 10-10 रन का यहाँ पे इक्वेशन बनवा दिए, और फिर जब समय आया तो आउट हो गए। तो कोई कोई क्या कर रहा था यहाँ पे मीम्स बना रहा था कि अंबानी जी ने नीता अंबानी ने धोनी जी को क्या कहा, मतलब कुछ ऑफर दिया होगा क्या होगा, ऐसा कुछ बन रहा था। तो यही सब बातें हैं, तो ओवरऑल की बात है, अब संन्यास ले चुके हैं तो इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ मैं इस साल कह रहा हूँ कि चेन्नई की टीम इस बार 2023 का IPL ट्रॉफी जीतेगी तो जीतेगी, हमें पुराने अनुभवों से जान रहा हूँ कि जीतेगी। मैं सपोर्टर तो मुंबई इंडियंस का हूँ, सचिन के वक्त से ही हूँ, और पता ना उनके वक्त से थे तो अभी भी रोहित आ गया है इतना खराब प्रबंधन, फिर भी मुंबई की टीम ही फेवरेट दिल में बैठा हुआ है। तो यही सब है, धन्यवाद।